सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिकॉलोजी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें एलर्जी के मतलब आपको बताऊँगा और इसका होम्योपैथिक में इलाज, एलर्जी, मौसमी एलर्जी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मौसमी एलर्जी से बाज़ात फेफड़ों में तकलीफ हो जाती है और इसके साथ आंखों में एलर्जी पैदा हो जाती है, जिससे नाक का बहना, आंखों से खराशदार पानी और जिसकी वजह से फेफड़ों में तकलीफ आ जाती है, सांस की घुटन आ जाती है, सीने में दर्द आ जाती है और गले में खराश हो जाती है। और इसके साथ एलर्जी में आंखों से खराशदार पानी, आंखों में जलन, आंखों से पानी बहना, जिसके साथ सर दर्द और चक्कर की शिकायत हो सकती है। तो ऐसे में होम्योपैथिक बहुत इफेक्टिव इलाज इसका माना गया है। होम्योपैथिक इलाज में जो सबसे पहली दवाई, इफेक्टिव दवाई मानी गई है वो है एलम सीपा। एलम सीपा में खराशदार पानी नाक से और आंखों से आता रहता है और इसके साथ छींकें आती हैं। तो ऐसे में आप एलम सीपा 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में लेने से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। नंबर 2 पे मेडिसिन पोथोस फोटिडा। पोथोस फोटिडा ये भी एलर्जी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। मौसम की वजह से जो एलर्जी पैदा हो जाती है उसके लिए पोथोस फोटिडा 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 3 पे सबाडिल्ला। सबाडिल्ला में नाक से पानी बहुत ज़्यादा अखराज होता है और उसके साथ छींकें आती रहती हैं, छींकों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में सबाडिल्ला 35 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वसलाम।